जय भीम। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। और इस बात को लेकर कुछ तथाकथित लोग उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाकर उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी रगों में सम्राट महापद्मनंद का खून बहता हो, जो फूले साहू अम्बेडकर और पेरियार इन सभी के विचारों का सच्चा वारिस है, जिसके दादा करुणानिधि ने तुम्हारी जात पात भेदभाव वाली व्यवस्था को द्रविड़ आंदोलन को धार देकर ध्वस्त कर दिया था। उदयनिधि उस पेरियार विचारधारा की वारिस है, जिसने अंधविश्वास पाखंड को अपने पैरों के जूती के तले रौंद कर रख दिया। अगर किसी को लगता है कि उदयनिधि ने गलत कहा है, तो क्यों उसे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो? क्यों चक्कर में पड़े हो गिरफ्तारी की? धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनको 11 रुपया देकर ग्रह की जो दिशा बदलते हैं, उनको बुलाओ और उनसे कहो कि श्राप देकर उसको भस्म कर दें। भारत में इतने देवी देवता हैं, कोई ना कोई देवी देवता इनको दंड तो देगा ही ना। आप लोग क्यों अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो इनके पीछे? अब इस बाबा को देख लो, इस बाबा में इतना शक्ति नहीं है कि अपने मंत्रों से, अपने जादू से इनको भस्म कर सके। तो ये दिखावटी के लिए तलवार में खोंसकर उनके फोटो को जला रहा है। ये कैसे अपनी गुस्सा को शांत कर रहा है? अगर इसमें शक्ति सच में होता, ये सच में बाबा होता, तो इनको फोटो जलाने की वजह इनको डायरेक्ट इनको भस्म कर देता ना। क्या जरूरी है इतना सब टेढ़ी धाम करने का, है ना दोस्तों? आप लोग खुद लॉजिक लगाइए और इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं, आपको भटका